पांचवी पास झारखंड का वो लड़का जो बड़े बड़े इंजीनियर को भी फेल करने लगा, अगर नहीं होता गिरफ्तार तो पूरे देश को कर देता बर्बाद। घर में हो या बाहर में, वो कहीं से भी आपको ठग लेगा। कहानी सबसे बड़े ठग की, जिससे बॉलीवुड सेलिब्रिटी और नेता भी नहीं बच पाए। ICICI बैंक में खाता हो या बैंक ऑफ इंडिया में, कहीं से भी वो आपके पैसे लूट सकता है। पांचवी पास लड़के के लूटने का तरीका है एकदम नायाब। जामतारा के लड़के को CID ने किया गिरफ्तार। जब लड़के ने बताया ठगी का तरीका तो CID अफसरों के छूटे पसीने। आज कहानी झारखंड के उस ठग की, जिसने पांचवी पास कर वो चाल सीख ली जिससे लोमड़ी भी शर्मा जाए। आपका खाता ICICI बैंक में हो, एक्सिस बैंक में हो, बैंक ऑफ इंडिया में हो या कोटक महिंद्रा में हो, किसी भी बैंक से पैसे उड़ा लेना इसके बाएं हाथ का खेल है। लड़का घर में हो या बाहर, हर जगह से अपना काम कर सकता है। आज कहानी झारखंड के उस ठग की, जिससे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और नेता भी नहीं बच पाए। जरा सोचिए, पांचवी पास एक लड़का किसी पढ़े लिखे नेता से करोड़ों की ठगी कर ले जाए, किसी बैंक का APK भेजकर वो आपको चूना लगाए। ठगी का लेवल ऐसा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी पैसे चट कर जाए। और सबसे बड़ी बात, लड़का मात्र पांचवी तक पढ़ाई कर बड़े बड़े इंजीनियरों को भी फेल कर जाए। कल्पना से भी परे है ये कहानी और किरदार भी, जिसका नाम है करण कुमार, पता झारखंड का जामतारा जिला। ये वो शख्स है जिसने जामतारा की पुलिस के साथ साथ CID के भी कान खड़े कर दिए। इसे जामतारा का अब तक का सबसे बड़ा ठग माना जा रहा है। करण ने पांचवी पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और इसके बाद साइबर फ्रॉड की दुनिया में कदम रखा। फिर करण ने एक गैंग बनाया जो साइबर ठगी का काम करने लगा, और यहीं से शुरू हुआ करण के विकराल ठगी का विकराल सिलसिला। पांचवी पास इस लड़के ने मोबाइल APK बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ICICI बैंक के जरिए इसकी शिकायत CID को मिली। अब झारखंड का महाठग लड़का पुलिस की गिरफ्त में है। CID SP S कार्तिक ने बताया कि पांचवी पास करण ने ICICI बैंक का एक फेक ऐप और वेबसाइट बनाया, जिसका कंट्रोल कंप्यूटर से नहीं बल्कि मोबाइल से ही करता है, ताकि वो घर में हो या बाहर कहीं से भी लोगों को चूना लगा सके। इसी वेबसाइट के जरिए वो लोगों के मोबाइल से डाटा चोरी करने लगा। डाटा चोरी करने के लिए करण लोगों के मोबाइल में एक SMS के जरिए APK फाइल भेजता, जिसे डाउनलोड करते ही बैंक खाता धारक के पास मैसेज रिसीव और सेंड करने का ऑप्शन खत्म होकर करण के पास चला जाता। फिर लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता और करण लाखों की ठगी कर लेता। वहीं CID SP ने यह भी बताया कि करण लोगों के डाटा को बेचने का भी काम कर रहा था, जिसके बाद उस डाटा के नाम पर ब्लैकमेल कर पैसे की ठगी करता। फिलहाल करण को गिरफ्तार कर लिया गया है। CID SP S कार्तिक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आपके पास ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं तो इसकी शिकायत नजदीकी थाना या 1930 में जरूर दे, ताकि हमारी रिसर्च टीम जाँच कर ऐसे अपराधियों को आसानी से पकड़ सके। आपके शहर गोड्डा में खुल गया है आर्मी कैंटीन, मगर सिर्फ आर्मी के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी। तो अब सिर्फ सुनना नहीं है, जाकर खरीदना है। 20 से लेकर 60% तक मिल रही है छूट। आर्मी कैंटीन में मिलता है सस्ता सामान, वॉशिंग मशीन से लेकर शैम्पू और तेल तक आप खरीद सकेंगे एक्स आर्मी कैंटीन में। सस्ता नहीं, बहुत सस्ता सामान। तो क्यों करना देरी, खरीदना है सामान तो क्यों ना खरीदें सस्ते में अच्छा सामान। यात्रा के लिए चाहिए ट्रॉली बैग और घर के लिए चाहिए राशन, तो पहुंच जाइए सरकंडा चौक के एक्स आर्मी कैंटीन में। हमारा पता है नियर सरकंडा चौक, पथरा रोड, गोड्डा।